स्वामी जी का जीवन है क्या, तो स्वयं स्वामी जी के शब्दों में एक बार उन्होंने कहा कि मैं कंडेंस्ड इंडिया हूँ। मैं क्या हूँ? कोई फिलासफर, कोई समाज सुधारक, तो उन्होंने कहा मैं कंडेंस्ड इंडिया हूँ। और इसी को एलोबोरेट करते हुए निवेदिता ने जो वर्णन किया कि स्वामी जी ये कंडेंस्ड इंडिया थे, इंडिया उनके हृदय में धड़कता था, इंडिया उनकी नाड़ी के स्पंदन में था, भारत उनके रक्त और मज्जा के अंदर था, भारत उनका दिन का स्वप्न था, भारत उनकी दुखांत रात्रि थी, भारत का अध्यात्म, भारत की प्योरिटी, भारत की पावर, भारत का विजडम, भारत की डिविनिटी, सब कुछ उनके अंदर व्यक्त थी। तो एक ऐसा जीवन था। जीवन की दो तीन बातें समाज अगर एडॉप्ट कर लेता है तो भारत की नियति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। उसमें एक पहली बात है कि भारत, स्वामी जी विचारों से कोई संकीर्ण नहीं थे। अपनी कोई कमी है तो उसको भी खुले मन से स्वीकारते थे, और बाहर कोई अच्छाई है तो उतने ही खुले मन से उसका भी स्वीकार करते थे। लेकिन जो एक दृश्य कभी कभी हम देखते हैं कि पश्चिम में हम हो आए, पश्चिम का कुछ अध्ययन कर लिया तो भारत निंदक के रूप में कन्वर्ट हो जाता आदमी। सब कुछ अपने यहाँ का खराब लगने लगता है। एक विचित्र इस देश के अंदर जो दृश्य हमने देखा, तो स्वामी जी के जीवन का एक प्रसंग हम सबके लिए प्रेरणा दे सकता है। स्वामी जी जब शिकागो वक्तव्य, लगभग 4 साल अमेरिका और इंग्लैंड सब जगह घूमे हुए, यूरोप में 4 वर्ष बाद जब भारत लौटने लगे तो इंग्लैंड से आए हो, इस बीच में कहीं शिष्य बने थे, कहीं मित्र बने थे, तो जहाज पर जब चढ़ाने के लिए, विदा करने के लिए लोग आए तो एक मित्र ने पूछा कि स्वामी जी 4 वर्ष तक इस यूरोप में, क्योंकि भारत गुलाम था उस समय और यूरोप की समृद्धि की चकाचौंध थी, तो उसने 3 शब्द का प्रयोग किया। उसने कहा स्वामी जी 4 वर्ष इस ग्लोरियस, लग्जरियस एंड पावरफुल वेस्ट में जीने के बाद आपको अपना देश कैसा लगेगा? तो तुरंत स्वामी जी ने उत्तर दिया कि यूरोप आने के पहले मैं भारत को प्यार करता था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भारत मेरे लिए तीर्थ है। वहाँ के पानी की एक एक बूंद, वहाँ की पानी की एक एक बूंद, रेत का एक एक कण, हवा का एक एक स्पंदन मेरे लिए श्रद्धा और पूजा का स्थान है। और ये केवल कोई शुष्क लॉजिक तर्क नहीं था कि उसको उत्तर देने के लिए कहा। आप सब विवेकानंद साहित्य में पढ़ते हैं कि वहाँ से चल के जहाज जब कोलंबो के तट पर लगा, उस समय तो भारत अखंड था, और हम पढ़ते हैं कि जहाज से उतरने के बाद जैसे ही भारत की धरती का स्पर्श किया, वो विश्वविख्यात सन्यासी भारत की धूल में लौटने लगे, मिट्टी अपने ऊपर डालने लगे। लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया आपको, क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं भोगवादी वातावरण में बहुत वर्ष घूम के आ रहा हूँ, कुछ न कुछ जर्म्स आ गए होंगे, इस पवित्र मिट्टी को डाल दूंगा तो ठीक हो जाएंगे। मेरा इस भाव को कहने का इतना ही तात्पर्य है कि विवेकानंद कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे। वेस्टर्न सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, साइंस, हर चीज का उनको अनुभव था, सब कुछ उन्होंने देखा था।
लेकिन वो देखने के बाद भी अपनी जड़ों से नहीं हटना, मैं समझता हूँ कि आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आज के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, आज के बड़े बड़े चिंतनशील लोग हैं, हम अगर इस जीवन के इस पहलू को देखेंगे तो एक बात है,